हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहा है दोपहर के 1 और आज राखी का दूसरा दिन है। एक्चुअली सभी लोग चले गए हैं मेरे भाई के ससुराल में, यानी कि मेरे भाभी के मायके में, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को खाने के लिए बुलाया था। एक्चुअली मुझे एक वीडियो शूट करना था, इसीलिए मैं मतलब थोड़ा सा लेट हो गई। तो मैंने उनको बोला कि आप जाओ और मैं वो वीडियो शूट करके आती हूँ, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। बट चलिए, कोई बात नहीं, वहाँ पर वो लोग पहुँच गए हैं, माही और अद्वी को भी लेके गए हैं, तो मैं ही रह गई हूँ। तो मैं ना बस अभी रेडी हो गई हूँ, वीडियो शूट कर लिया, अभी रेडी हो गई हूँ और निकलती हूँ। बट कभी भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि आपको क्या होता। मैं जल्दबाजी में पहले पानी पी लेती हूँ, और अभी बैठने के लिए भी टाइम नहीं है क्योंकि मम्मी का कॉल आया था, जल्दी पहुंचो करके। तो जल्दी से निकलती हूँ, और ये नहीं आने वाले हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी है। एक्चुअली लाइट ऑफ करने हैं मुझे, सारे के सारे घर के लाइट्स ऑन हैं, तो बस इनकी ड्यूटी, इसी वजह से ये नहीं आने वाले हैं। मैं ही जाने वाली हूँ वहाँ पर, बच्चे तो चले गए हैं, तो चलिए निकलती हूँ। और वहाँ पे पता नहीं जाने के बाद शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट अगर शूट करना हुआ वहाँ पे तो शूट करूँगी। अरे यार, ये मिट्टी मिट्टी कैसे? हाँ, कुत्ता वगैरह आया था क्या यहाँ पे? पूरे टाइल्स पे मिट्टी मिट्टी है, कोई पैर मिट्टी के करके गया है यहाँ पे। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी पहुँचने के लिए तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो उधर से आने के बाद जो कुछ करना है वो करूँगी, वहाँ पर जाने के बाद जो शूट करना होगा मुझसे वो करूँगी, नहीं होगा तो पता नहीं, अभी घर आने के बाद मिलूँगी आपसे। तो चलिए अभी निकलती हूँ जल्दी से। एक्चुअली ना सारा कुछ करते करते मैं घर पे थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो वहाँ पर जाने के बाद उनका खाना भी बन गया था और वो लोग थाली भी परोस रहे थे। और एक्चुअली मेरे घर से वहाँ पर जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, मतलब आधा घंटा तो लग ही जाता है, तो इसीलिए मम्मी भी वेट कर रही थी, बार बार कॉल कर रही थी मुझे वहाँ पर पहुँचने के बाद। फिर सारा कुछ हो गया था, उनका खाना वगैरह बन गया था, यहाँ पर मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी भाभी का मायका, तो मैंने सोचा चलो आपको मेरे भाभी का मायका भी दिखा देती हूँ। तो ये जो पकोड़े फ्राई कर रही है उसकी मम्मी है, मतलब मेरी भाभी की मम्मी है, और वो उसके साइड में जो बैठी है वो उसकी मासी है, और वो तो मेरी भाभी आपको पता ही है कि। और ये उसके पापा है, उसका भाई है, ये ब्लैक टी शर्ट में जो है उसकी मासी का बेटा है एक्चुअली, और वो तो दोनों मेरे भाई हैं। और ये लोग खाना खा रहे थे, सबसे पहले इन लोगों ने खाना खाया, फिर वहाँ पर फिर हम लोग उधर बैठे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर अद्विक सबको परेशान कर रहा था एक्चुअली, अद्विक को पूरी बड़ी थाली चाहिए थी खाने के लिए, तो उसको परोस के भी दी थी बट उसने नहीं खाई बाद में। और ये है आज का लंच हमारा, तो कढ़ी है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, आलू बैंगन की सब्जी है, पकोड़े और पापड़ थे, सैलेड था, और उसके बाद ये रबड़ी है, चावल है, बस ये है हमारा आज का लंच। और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था एक्चुअली, मेरी भाभी की मम्मी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाता है, सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और रबड़ी भी। बस यहाँ पर हम लोग खाना खा लेंगे और उसके बाद फिर मम्मी और मेरे भाइयों को जाना भी है मेरे मायके, इसीलिए फिर वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने बातें बातें की, उसके बाद वो चले गए मतलब मेरे मायके, मेरी मम्मी और भाई, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे घर पे। तो यहाँ पर ना उस दिन जो प्लांट लाए थे तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है वो पाम के प्लांट लाए थे कुछ, जो राखी के दिन हम लोग गए थे नर्सरी में, तो वो लाए हैं, ये दो लाए हैं पाम के, और एक और लाया है तो वो ऊपर रखा था एक्चुअली, वो शूट ही नहीं कर पाए। और मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, ये सारे फूल भी आ रहे थे, और इन्होंने ना ये हल्दी लगाई है घर पर, तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, तो इसीलिए आज मैंने बाकी का शूट कर रही थी तो ये भी शूट कर लिया। तो ये हल्दी के इतने बड़े बड़े पौधे हुए हैं, और ये सफ़ेद फूल का पेड़ है, तो ये मैंने एक्चुअली 2 साल पहले ही लगाया था, और 2 साल में इतना ज़्यादा बढ़ गया है ये कि इसको फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब पूरा भर जाता है वो फूलों से और पूरा वाइट वाइट दिखता है, तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। और ये गुड़हल का फूल पिंक कलर का, तो बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये फूल आया है गुड़हल के भी।
तो बस यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे। एक्चुअली उस दिन तो मैं बाकी का कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं शाम को आई थी और कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। तो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना रही थी। एक्चुअली इनके लिए मैं उपमा बना रही थी, इनके लिए मीन्स सबके लिए, हमारे लिए उपमा बना रही थी। तो बस यहाँ पर उपमा बन रहा है और साथ साथ मैंने आलू भी लगा दिए हैं यहाँ पे कुकर में। आलू भी लगा दिए हैं बॉईल करने के लिए। एक्चुअली आज बनने वाला है आलू पराठा, क्योंकि माही की ज़िद थी, माही को काफ़ी दिनों से आलू पराठा खाने का मन था और उसने आज मुझे बोला आलू पराठा बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज बना देती हूँ। मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ आलू पराठा बनाना वगैरह, तो क्योंकि मेरा मन कर जाता है फिर खाने का, इसीलिए फिर मैं ना थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ इसमें डाइट वगैरह में। तो मैं सोच रही हूँ कि यार नहीं बनाते हैं तो फिर खाने का मन कर ही जाता है, तो इसीलिए मैंने इतने दिनों से नहीं बनाया था। बट आज मैंने सोचा चलो इसकी डिमांड पूरी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर उपमा भी बन रहा है, हम लोग ब्रेकफास्ट में उपमा खाएंगे, उसके बाद लंच में आज आलू परोठा और तड़के वाला दही होगा। तो इसीलिए वो आलू बॉईल हो जाने के बाद मैं फिर लंच की तैयारी करूँगी। तो लंच के लिए ज़्यादा तो करना नहीं पड़ता है, जब अगर ये बनाते हैं तो कुछ आलू परोठा वगैरह बनाते हैं तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है, सब्जी वगैरह का भी टेंशन नहीं रहता है। तो इसीलिए फिर ये बस उपमा खा लेंगे। उपमा भी बहुत ज़्यादा बन गया था मुझसे, भूनते टाइम थोड़ी सी सूजी ज़्यादा डल गई थी मुझसे, तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा बना ही लेती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा बन गया था। फिर उसके बाद परोठे भी, आलू के परोठे भी बहुत ज़्यादा बना लिए थे। और हाँ, एक्चुअली एक मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, उनका बर्थडे है आज, तो उनका नाम है राजश्री त्रिभुवन। एक्चुअली उनका बर्थडे, उन्होंने मुझे कल ही इंस्टा पे बताया था कि उनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे डियर, और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत ज़्यादा आप खुश रहो, आगे की लाइफ आप बहुत अच्छे से बिताओ। और उनको बेबी भी होने वाला है, 2 महीने में ही उनको और एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो डियर, हमारे साथ आपकी खुशी शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। हे गाइस, अभी अभी लंच हुआ है और हम लोग जाने वाले हैं अभी मेरे ससुराल। एक्चुअली माही का रक्षाबंधन बाकी था, वहां पर उसके भाइयों को राखी बांधनी बाकी थी, इसीलिए अभी हम लोग ससुराल के लिए निकलने वाले हैं। और लंच में आज मैंने बनाया था आलू के पराठे और तड़के वाला दही, तो इतने सारे बचे हैं। एक्चुअली मैंने ज्यादा ही बना लिए थे क्योंकि उधर से आने के बाद फिर और जान पे आता मेरा बनाना था, इसीलिए मैंने आज ज्यादा ही बना लिया था थोड़ा सा लंच, तो वही डिनर में हो जाएगा। हम लोग वहां से 2 घंटे में ही जाके आ जाएंगे। और ये है यहाँ पर तड़के वाला दही, बस अभी निकलने ही वाले हैं हम लोग। चलिए अभी ये रख देती हूँ ढक के और उसके बाद निकलते हैं। पापा ने गाड़ी निकाल ली ना, चलो। और ये स्वीट्स और राखी। और वो लिया ना पापा ने, वो भगवान के फूल वगैरह। हाँ, ले लिया है। चलो अद्विक, रेडी हो गए हो? सो गाइज, निकल चुके हैं हम लोग वहां पर जाने के लिए, गांव जाने के लिए। एक्चुअली मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि 2 घंटे में आएंगे, 2 घंटे में आएंगे, बट 2 घंटे नहीं, हम लोग कभी कभी रात को भी वहां पर रुक जाते हैं। आज भी ऐसे होने वाला लगता है ना? नहीं। हाँ, पता नहीं अभी 2 घंटे लगेंगे या मतलब कितना टाइम लगेगा, बट आज पक्का आने वाला है हम लोग। जब भी आएंगे फिर उसके बाद आपसे बात करूंगी। और अभी जाती हूँ वहाँ पे, पहले तो बड़ी दीदी के यहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर रक्षाबंधन होगा। बड़ी दीदी को दोनों बेटे ही है, तो इसीलिए माही राखी बांधती है वहाँ पे। और जो बीच वाली दीदी है उनको एक बेटा है और एक बेटी है, तो उसको भी राखी बांधती है माही। तो पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा बड़े भैया के यहाँ पे, फिर उधर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर पहुँच के अभी पता नहीं आप लोगों से बात कर पाऊंगी या नहीं, नहीं तो फिर डायरेक्ट घर पे आके बात करूंगी आपसे। सबसे पहले हम लोग गए थे बड़ी दीदी के घर, तो यहाँ पर बड़ी दीदी के जो 2 बेटे हैं उनको राखी बांध रही है माही। यहाँ पर राखी वगैरह बांधने के बाद हम लोग जाएंगे उधर, मतलब बीच वाली जेठानी के यहाँ पे, जहाँ पर मैंने अपना ससुराल होम टूर दिखाया था आपको वहीं पे। तो यहाँ पर ये जो है, ये मेरी बड़ी जेठानी का सबसे बड़ा बेटा है, इसका नाम संकेत है। और ये छोटा बेटा है, इसका नाम मंथन है। एक्चुअली माही और मंथन की बहुत ज़्यादा बनती है, और उन्होंने आज मैचिंग मैचिंग भी पहना था, आप देख सकते हो। मतलब अभी मेरा पहले ध्यान नहीं था, बट अभी एडिट कर रही हूँ तो ध्यान गया कि आज माही ने और मंथन ने मैचिंग मैचिंग शर्ट और टी शर्ट पहना है।
एक ही कलर का, तो यहाँ पर बस राखी बांध लेंगे, उसके बाद हम लोग बड़े घर जाएंगे। एक्चुअली वहाँ पर ना जब राखी बांधी माही ने और ईशु ने अद्विक को, तो मैंने शूट भी कर लिया था, बट वो क्लिप ना मुझसे मिस हो गई, तो इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। पता नहीं मुझसे कैसे गलती से डिलीट हो गई, तो वहाँ का जो राखी सेलिब्रेशन है वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। तो गाइज आ गए हम लोग घर पे और अभी बज रहे हैं 7:30। एक्चुअली 2 घंटे का बोल के मैं आपको गई थी वहाँ पे, बट 2 घंटा तो मुश्किल ही था, आज आना भी मुश्किल था। क्या हुआ? लाइट फूट गया। आते ही इन्होंने लाइट ऑन किया। कैसे फूटा? शॉक सर्किट की वजह से। तो अभी 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे आए हम लोग, 2 घंटे का बोल के गए थे। और 2 घंटे का कितना हुआ माही, कब गए थे हम लोग? सुबह 12 बजे। 12 बजे गए थे और 12 बजे से अब तक, बाप रे, पूरा दिन ही चला गया, अंधेरा हो गया है। तो चले इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। माही का रक्षाबंधन तो हो गया अभी, जैसे हमारी हमेशा होती है छोटी मोटी शॉपिंग होती है वहाँ की, तो वो शॉपिंग भी की। और ये ईयरफोन्स लाए हैं, ईयरफोन्स भी ख़राब हो गए थे मेरे, ईयरफोन्स लाए हैं। तो ऐसे छोटी मोटी शॉपिंग होती ही हमेशा वहाँ पे। तो बस इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करना मत भूलिएगा। और इसके साथ मेरे 2 और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। यहाँ पर अद्विक सो रहा है, गाड़ी में ही सो गया था। चले फिर, बाय।